वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण चार में भणवाना छे हिंदी। आप चैप्टर नंबर छे 11 परिच्छेद पर से लेखन, फकरा पर थी लेखन। तो हमें आज होली के त्यौहार के विषय पढ़ना है। तो चलो बच्चों, हमारी आईडी बुक में है, पेज नंबर है हमारा 32। तो पेज नंबर 32 पर हम पढ़ेंगे होली के त्यौहार के बारे में। चलो बच्चों, ध्यान से सुनना। तो होली के विषय पे हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर है 11, भाग है हमारा पहला। त्यौहार किसे पसंद नहीं होते, बराबर? मैं तो हमेशा त्यौहारों की राह देखता हूँ। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, सब में कुछ मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, बराबर? तो बहुत सारे त्यौहार होते, सबसे सब में अलग अलग त्यौहार होते हैं हमारे पूरे 12 महीनों में। जन्माष्टमी है, मकर संक्रांति है, दशहरा है, दीपावली है, ऐसे कई त्यौहार होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा उनको कौन सा त्यौहार पसंद है, तो होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस दिन लोग क्या करते हैं बच्चों, इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। लोगों की टोली होली है भाई होली है गाती हुई निकल पड़ती है, सब पर रंग उड़ ले जाते हैं, बराबर? मुंह पर गुलाल लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं, कई बच्चे पिचकारी से भी रंग फेंकते हैं, चार और शोर होता है, सभी खुश दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस दिन लोग क्या करते हैं बच्चों, तो एक दूसरे पे रंग डालते हैं। रंगों की टोली आती है, वो कहती है होली है भाई होली है, गाते हुए वो लोग आते निकल पड़ते हैं, सब पर रंग उड़ ले जाते हैं, बराबर? एक दूसरे पे रंग डालते हैं और गुलाल भी लगाते हैं, गले मिलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, रंग भरे एक दूसरे पर गुब्बारे फेंकते हैं, कई बच्चे तो पिचकारे से भी रंग डालते हैं, और चारों ओर क्या होता है, शोर होता है और सब कुछ दिखाई देते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है, रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते हैं, घर में मिठाइयाँ बनती है, खाने के बाद सब आराम करते हैं। होली एक रंग बिरंगा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। देखो बच्चों, होली का त्यौहार है भाईचारे का त्यौहार। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहती है, तो दोपहर के समय पे फिर क्या करते हैं, पूरा दिन लोग रंग रंग खेलते हैं, और फिर दोपहर के समय स्नान करके अपने घर में मिठाई बनी होती है वो खाते हैं, आराम करते हैं। तो इस तरह ये होली का त्यौहार एक रंग बिरंगा त्यौहार है, वो भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। बच्चों समझ में आया? तो इसके आधार पर हम देखेंगे कहानी। तो देखो, तो होली के दिन लोग प्रश्न के उत्तर है, होली के दिन लोग क्या करते हैं, तो होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली में लोगों की टोली क्या गाते हुए निकलती है, होली होली है भाई होली है, यह गाते हुए लोग निकलते हैं। किसी तीन त्योहारों के नाम, अपने मनपसंद त्योहारों के नाम आपको लिखने हैं। अब हम देखेंगे स्थानों की पूर्ति करनी है, जो हमने ऊपर अनुच्छेद पढ़ा है उसके आधार पर। होली एक रंग बिरंगा त्यौहार है, छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे फेंकते हैं, होली के दिन सभी खुश दिखाई देते हैं। इस तरह खाली जगह हमें भरना है। चलो बच्चों, तो हम फिर से एक बार होली का त्यौहार के बारे में सुनेंगे। तो वो कहते हैं होली किस त्यौहार किसे पसंद नहीं होते, सबको त्यौहार पसंद होते। तो मैं तो हमेशा त्यौहारों की राह देखता हूँ, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, सब में मुझे होली का त्यौहार सबसे अधिक पसंद है। इस दिन लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठकर एक दूसरे पे रंग डालते हैं, लोगों की टोली होली है वही होली गाती निकल पड़ती है, सब पर रंग उड़ ले जाते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं,
छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं और कई बच्चे पिचकारी से भी फेंकते हैं। रंग बराबर चारों ओर शोर होता है, सभी खुश दिखाई देते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है, रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते हैं, घर में मिठाइयाँ बनती है, खाने के बाद सब आराम करते हैं। होली एक रंग बिरंगा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। बराबर तो इस तरह हमने होली के बारे में सुना और प्रश्न के उत्तर भी लिख लिए। चलो बच्चों, आपको मैंने जो पढ़ा याद रखना है, याद करना है। अगली बार हम मिलेंगे तो हमारा चैप्टर होगा अभी हमें एक इस चैप्टर में एक दूसरा भाग बाकी है जो हम अगले पीरियड में फिर पढ़ेंगे। बराबर तो अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे चिड़ियाघर की सैर। तो हमें अगले पीरियड में चिड़ियाघर की सैर करनी है। चलो बच्चों, मैंने जो पढ़ा है याद रखना है, याद करना है। अगले बार हम फिर मिलेंगे।